Yes, class 8. Your exercise is Yes, better sir. by 10.3. Yes, sir. Yes, sir. Let us try. Let us try 7.3. Okay. Your question number 3, I mean third that we have to discuss today, is Avantika divided. The statement is here, beta karan. Statement kya iska? Avantika divided 2.4 liter of milk equally among her 3 children. Calculate the quantity of milk in milliliters that each child got. सबसे पहले राइट करेंगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क. क्या राइट करेंगे? क्वांटिटी ऑफ मिल्क. मिल्क मिल्क की क्वांटिटी है इक्वल टू 2.4 L यानी कि लीटर. लीटर 2.4 L. ओके. Yes, yes, sir. Yes, sir. 2.4 L. L. 2.4 L. This 2.4 liters. Are we sure? So quantity of milk in ml. Quantity of milk in ml. Ml. Quantity of milk in ml is equal to 2.4. You know that 1 liter is equal to 1000 ml hota hai beta. Yes sir, 1000 ml hota hai. 1 liter mein 1000 milliliter hota hai. Yes sir. You know that 1 liter is equal to 1000 milliliter. So quantity of milk in ml is equal to 2.4 multiplied by 1000 ml. कितना हो जाएगा? ये ml हो जाएगा, मिलीलीटर. तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे आप जानते हो 1000 से मल्टीप्लाई करने पे जो पॉइंट है 3 डिजिट राइट साइड ट्रांसफर होगा. डिवाइड करने पे ये लेफ्ट साइड ट्रांसफर होता है. मल्टीप्लाई करने पे ये पॉइंट आपका 3 डिजिट टू द राइट ट्रांसफर होता है. यहाँ से सर आएगा सर 0.800.0.0. आप बताइए अमन क्या होगा? आप बताइए अमन और अनुप्रिया बताइए. सर 4.00. You are also wrong. Sir, 2400.0. 2400.0. Exact answer होगा 2400 only. Okay? क्यों? Because ये आपका 3 digit से 1000 से multiply कर रहे हैं, तो यहाँ से ये आपका point 3 digit right transfer होगा. यहाँ पे ओनली सिंगल डिजिट है. यस, यहाँ पे सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पे डबल करके हम 3 digit इस पॉइंट को ट्रांसफर करते हैं. देन देन दिस विल गेट 2400 पॉइंट. यहाँ आएगा 0 और इस पॉइंट का कोई मीनिंग नहीं है. यस सर, पॉइंट आफ्टर 0 कोई मीनिंग नहीं, तो इस पॉइंट को रिप्लेस कर देते हैं. सर राइट से लेफ्ट में ट्रांसफर. यस यस सर. सर हमको लगा सर की राइट का लेफ्ट में. इतना सब कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जब का अभी भी लगता ही है तुम लोगों को. नो सर. क्वांटिटी इन एमएल इक्वल टू 2400 एमएल. क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन एमएल इक्वल टू 2400 एमएल. इफ ना क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है अब उसका यूज करते हैं. इफ अवंतिका डिवाइडेड दिस मिल्क इक्वली अमंग हर 3 चिल्ड्रन. सो If Avantika divided
divided this milk among our three children, then quantity of milk in a milk that each child got. So, quantity of milk among in ml that each child got, that each child got. बेटा क्या इसके लिए राइट करेंगे? Each child got means कितना? इसके लिए आपको टोटल क्वांटिटी को 3 से डिवाइड कर देना. यस सर, 3 से डिवाइड. क्वांटिटी इन ml जो है 2400 ml divided by 3 is equal to 800 ml. It means each child got 800 ml. Yes, sir. Sir. Okay. Yes, sir. Each child got 800 ml of milk. Now question number 4, please look at this. ये बातें समझ में आ गई ना आप लोगों को? Yes sir. Yes sir. The monthly Raju is 14,149.95 rupees. Calculate his daily income. Take 1 month equal to 30 days. Okay, क्या करना है? इस वैल्यू को 30 से डिवाइड करना है. 30 से डिवाइड करना है तो चलिए डिवाइड करना. क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज लुक एट दिस. इसकी बात उन्होंने किया, द मंथली सैलरी ऑफ राजू इज 14,149.95 रुपीज. कैलकुलेट हिज डेली इनकम. टेक 1 month इज इक्वल टू 30 डेज. ठीक है, यहाँ पर राइट करेंगे मंथली सैलरी ऑफ राजू. मंथली सैलरी is equal to rupees 14,149.95. कहाँ से आ रही है? म्यूट कीजिए अपने आपको. मंथली सैलरी ऑफ राजू इज इक्वल टू कितना गिवन है यहाँ पे? 14,149.95 रुपीज. इफ सो हिज डेली इनकम, हिज डेली इनकम इफ अ मंथ हैज 30 डेज. His daily income is a month has 30 days. Daily income
इज इक्वल टू, बीच में कोई बोल रहा है, म्यूट करके अपने आप को कैलकुलेशन कीजिए, 14,149.9 कोई रीडिंग क्यों कर रहा है? अब क्या करना है, इसको 30 से डिवाइड करके हम ये गेट कर लेंगे इस डेली इनकम, ये हमें पाना है। अगर डेली इनकम फाइंड करना है तो इसके लिए हमें टोटल वैल्यू को 14,149.95 को 30 से डिवाइड करना होगा। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं बेटा, इसको 30 से डिवाइड करके चेक करते हैं एग्जैक्टली आंसर क्या आता है। यस सर, 30 डिवाइड करके 95। हमें देखिए वॉइस आ रही है, आंसर आएगा 471.665 सर, 471.665 होगा आंसर। यस सर, सर उतना ही आएगा। 400 ठीक है, यहाँ से डिवाइड करके चेक करते हैं इसको, हमारे पास जो नंबर है पहले 3 डिजिट सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज 2 डिजिट सेलेक्ट करने पर हमें जो वैल्यू गेन करेंगे वो लेस होगा देन 30। यहाँ से 3 डिजिट टेक करना होगा हमें, 3 डिजिट टेक करने पर वैल्यू क्या होती है 141। नाउ रीड द टेबल ऑफ 30 टू गेट और टू रीच नियरेस्ट टू 141। 30 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, अगर 5 टाइम जाते हैं तो 150 हो जाता है, इसलिए हम 4 टाइम लेंगे। 120 माइनस करते हैं तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 4 कॉपी करते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ से हम 7 टाइम जाएंगे, 30 का टेबल कितने टाइम रीड कर सकते हैं 7, देन यू विल गेट 210। 7 टाइम 210 यस सर, 200 यस सर, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 एंड 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 4 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 इक्वल टू नाउ यहाँ से 9 कॉपी करते हैं तो 49 हो जाएगा। 49 मीन्स करते हैं तो यहाँ से 9 माइनस 0 इक्वल टू 19 और 4 माइनस 3 इक्वल टू 19। कॉपी कर लेते हैं या रिप्लेस कर देते हैं इसको, नाउ 9 कॉपी करेंगे अगेन ये वाला, दिस 9 कॉपी सर, अब 6 टाइम जाएगा, 6 बार जाएगा 180। यस सर, यहाँ से 471.665 रुपीज कितना आएगा, यस 471.665 ये आंसर होगा। आंसर इस डेली इनकम फाइंड करना था तो हमें यहाँ से पहले हमने क्या किया, मंथली सैलरी जो उसका गिवन था राइट कर लिया 14,149.95 रुपीज। ओके तो इस डेली इनकम इफ अ मंथ हैज 30 डेज, अगर उस मंथ में 30 डेज होते हैं तो उसके डेली इनकम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 से टोटल वैल्यू को यानी जो टोटल 40 मंथली उसको डिवाइड कर देते हैं, देन वी विल गेट सर टोटल सर योर वाइज इज नॉट कमिंग सर, योर वाइज इज नॉट कमिंग फॉर मी, यस सर वॉइस नहीं आ रही है सर, कट कट ओके सर आ रही है सर, कट नहीं लगती आ रही है, नेटवर्क
चलिए ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है ना, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। नो सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ वाटर पंप, देयर इज अ स्टेटमेंट, अ वाटर पंप कैन फिल अ वाटर टैंक ऑफ कैपेसिटी 535.75 लीटर इन 25 मिनट्स। हाउ मच वाटर डज इट पंप इन अ मिनट? इसके लिए क्या करेंगे बेटा, इसमें का अ वाटर पंप कैन सर 25 से डिवाइड कर देंगे, कैन फिल अ वाटर टैंक ऑफ कैपेसिटी 535.75 लीटर इन 25 मिनट्स। अगर 25 मिनट में इतना कैपेसिटी का वाटर फिल कर लेता है, वो टैंक को फिल कर देता है, तो कह रहे आपको हाउ मच वाटर डज इट पंप इन अ मिनट, यानी एक मिनट में वो कितना पानी उसमें फिल करता है या करेगा, ये आपको बताना। ओके, हाफ टू डिवाइड दिस वैल्यू 535.75 लीटर बाय 25। ओके, टू गेट हाउ मच वाटर द पंप इन अ मिनट। ओके सर, कर लेंगे। सर सर ये हो, चेक कीजिए, मैं चलिए कैलकुलेशन हमारे साथ कीजिए, या आप पहले से स्टार्ट कर सकते हैं, अभी हम चेक कर लेंगे आपसे करेक्ट किया था नहीं। यस क्वांटिटी ऑफ वाटर, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या राइट करेंगे, जो स्टेटमेंट है उसी को ऑनवर्ड राइट करेंगे। द क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर, द क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर टैंक, वाटर पंप कैन फिल फिल 25 minutes. The quantity of water pump can fill, water pump can fill in 25 minutes. It's equal to kitna capacity diya gaya beta wahan pe value? Sir, sir, 535.75 L. Yes, sir. 535.75 L. Okay. It means the quantity of water. Oh, sorry. The quantity of water pump can fill in 25 minutes is equal to 35.75 liter. Okay. ये था 25 minutes में water pump fill कर सकता है इतना capacity के tank को. Okay. 35.75 इसके लिए क्या करेंगे बेटा, यू हैव टू डिवाइड टोटल कैपेसिटी बाय 25, बिकॉज ये 25 मिनट में फिल कर सकते हैं ना, तो 1 मिनट में फिल करने के लिए टोटल वैल्यू को 25 से डिवाइड कर देंगे। ओके, टू गेट द करेक्ट आंसर फॉर दिस रिक्वायर्ड क्वेश्चन। ओके, 535.75 liter liter divided by 25. What will you get, beta? Please tell me the answer. Kya aayega? Solve it. Sir, ruk jaiye bata. Sir, bata rahe hain. 21.43.
21.43 यस सर। ये अतुल ने बताया और भी कुछ लोग हैं जो ट्राई कर सकते हैं, सारे लोग कीजिए। यस सर 21.43 ठीक है, चेक कर लेते हैं हम भी। आप 21.43 चलिए ठीक है, हम भी चेक करके डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। ओके यहाँ से क्या करना था आपको, 5.75 लीटर को 25 से डिवाइड करना है, तो कर लेते हैं हम भी। सर 21.43 ओके बेटा, 21.43 हमारे जो डिजिट सॉरी नंबर ऑफ डिजिट इन डिविजन कितने बेटा है, 2 है ना। इसके लिए हम यहाँ पे भी कितने डिजिट सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डिजिट ही सेलेक्ट करते हैं, 2 डिजिट ग्रेटर दैन द डिविजन, क्योंकि डिविजन से ग्रेटर है तो हम काम चल जाएगा। 53 है ना यहाँ पे, तो 25 से तो मोर है, तो कितने टाइम टेबल रीड करें कि नियरेस्ट हो, ऐसे टच में हो, तो कितने टाइम 25 का टेबल रीड कर सकते हैं। 2 यस बेटा, 2 टाइम्स 25 2 टाइम नाउ 50 3 copy 5 5 3 copy 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 3 cop
आप क्या करेंगे? ये आपको फाइंड भी करना था, आपने किया भी। यस सर। रीड आउट इन दिस क्वेश्चन। नो सर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं देन। आपका पॉइंट नंबर 6 गिवन है बेटा। प्लीज लुक एट दिस। A biker covers a distance of 121.55 km in 11 laps. Calculate the length of each lap. Sir, lap क्या होता है? बेटा, a biker covers a distance of 11. Sorry, a biker covers a distance of 121.55 km in 11 laps. Lap means बेटा one round. यहाँ पे round की बात की जरा, यहाँ पे लैप का सेंस है राउंड से। वन राउंड में वो जितना भी कवर करता है ये फाइंड करना है, बट ये 11 राउंड में 121.55 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है बाइकर है। हमें क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ईच लैप, मतलब एक राउंड में कितना लेंथ है एक राउंड की, ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल वैल्यू को 11 लैप्स में कवर किया, 11 डिवाइडेड बाय 121.55 डिवाइड बाय 11 यस यस सर। यू सॉल्व दिस बेटा, ये कर लोगे ना आप लोग? सर कर लेंगे, सर कर लेंगे सर। 7 सर, आंसर भी पता कर लेंगे सर, कर लेंगे दिस वैल्यू बाय 11 टू गेट यस सर। ये इस लैप का लेंथ कितना है, इसको 11 से डिवाइड कर देना, यू विल फाइंड द आंसर। यस सर, सर 7 भी कर लेंगे सर, 7 भी कर लेंगे। ओके, 9 10 दोनों कर लेंगे सर, 9 10 भी कर लेंगे। यस सर, ठीक है चेक कर लेते हैं।
सर एट भी कर लेंगे, Now question 7 is find the quotient when 154.1 is divided by 23. इसमें simply आपको division problem given है, इसको ही solve करना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से concept use किया गया है, अलाइन वे से, तो आपको direct divide करना तो कर लेंगे आप, okay? Point number 7. Yes sir. Yes sir. Sir 8 बताएं. Point number 8. If 533 kilogram food is consumed by 31 people in 45 days. How much food will be consumed by each person for the same number of days? How much food will be consumed by each person for same number of the days? यानी 45 days तक की अगर एक person की बात करते हैं तो कितना consume करता है ये find करने के लिए हम total kilogram of food को जो quantity of food है उसको total को 31 से divide कर देंगे, okay? Because number of days yes, Yes, yeah. Quantity of यहाँ पे write करेंगे quantity और weight quantity write कर सकते हैं कोई sir 31 से divide कर लेंगे yes sir quantity of food consumed by 31 people Quantity of food consumed by 31 people in 45 days. In 45 days is equal to यहाँ पे quantity of food consumed by 31 people in 45 days is equal to given है क्या बेटा यहाँ पे statement में 533.2 kg. Okay. Now. Yes, sir. अब क्या फाइंड करना? How much food will be consumed by each person? So, if each person for the same number of days. So. Quantity of food will consume. Quantity of food will consume. Will consume by each person. By each person. Each person. Each person. For same number of days. For the same number of days. Same number of days. For the same number of days is equal to 533.2 divided by 31. Because ये 31 people इसको 45 days में consume करते थे total quantity. So each person के द्वारा 31 से divide करके ये जानेंगे कि each person कितना consume करेगा in 45 days. In same number of days. Okay? Yes, sir. For the यहाँ पे सेम अभी डिवाइड करके करना होगा तो जो आंसर आएगा वो आपको आंसर होगा रिकॉर्ड क्वेश्चन के लिए सर कर लेंगे 533.2 सर रुक जाइए सर डिवाइड करना आंसर होगा सर यहाँ पे क्या करेंगे हम कितने 17.2 होगा सर 17.2 होगा ओके बेटा यस 3-1 इज इक्वल टू 2 यस सर नाउ 5-3 इज इक्वल टू 2 सेम आज यहाँ से थ्री कॉपी कर लेते हैं 223 नाउ 31 का टेबल कितने टाइम रीच करते हैं 7 टाइम यहाँ 7 कौन सा 7 यस सर 7 ये 21 माइनस करने पे 30 माइनस 7 = 6
Now 1 minus 1 cancel, 2 minus 2 cancel. Point है, इस point को यहाँ copy कर लेते हैं, sorry, replace कर देते हैं in percent, और यहाँ से 2 copy कर लेते हैं, ठीक है? अब क्या करेंगे? 2 times जाएंगे. 31 to the 62. Yes, sir. सर 17.2 ही होगा. अभी भी डाउट है क्या आपको? नो सर, नो सर, सर नहीं डाउट है. The total weight of 55 shares are similar. Sir, voice. Sir, aapki voice, sir. Sir, your voice. Sir, aapki voice ka kya? Sir, proper nahi aa rahi hai. Sir, jaise banna hai. Okay. Now, voice is very proper. Sir, isme bhi sir divide karna hai. Sir, kar lenge nine wala. Sir, homework de dijiye. Yes, sir. Sir, homework de dijiye. Sir, kar lenge. कर लेंगे. yes, sir. सर आपकी बस प्रॉपर नहीं आ रही. yes, sir. बन बना हाट क्या है? सर सर बन बना है कितना आ रही है? चलिए ठीक है, चेक करते हैं. सर आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 9, द टोटल वेट ऑफ 55 शेयर्स ऑफ सिमिलर शेयरिंग इज 812.5 ग्राम. सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपर्ली. Sir, your voice is not coming. Sir, sir, aapki awaaz sachi mein nahi aa rahi hai. सुनाई दे रहा है आप लोगों को? प्रॉपर? यस सर. सर अब सुनाई दे रहा है. यस सर, आवाज सुनाई दे रहा है. सर सर आवाज आ रही है. ओके सर, फिर से नहीं आ रही. द टोटल वेट ऑफ 55 पेयर्स ऑफ सिमिलर इयररिंग इज 812.5 ग्राम. व्हाट इज द वेट ऑफ ईच पेयर ऑफ इयररिंग? इसके लिए आपको क्या करना होगा? You have to divide 812.5 by 55 to get weight of each pair of their ring. Okay? Yes. Yes. Sir. Yes. Ready again? Next, you will solve the remaining questions of it. जिसमें आपको doubt होगा, next week clear कर दिया जाएगा. Okay? आज के लिए इतना. Sir, complete करके भेज देंगे. Yes. Sir, complete करके भेज देंगे दूसरा. Yes, बेटा. आज के लिए इतना. जो आप ट्राई करना, नहीं होगा जो डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लियर कर दिया जाएगा. ओके सर, पूरा सर पूरा. हाँ बेटा, जितने ट्राई कर लेंगे बेटर होगा. नेक्स्ट आपको जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे वो सर भेज देंगे. सर भेज देंगे. सर सर भेज देंगे. अभी सर अभी जो कर करेंगे फीड भी कर लेंगे. सर गुड बाय. गुड बाय.